बताऊँ ना कहाँ। ये देखो ये सामने लगे डिवाइडर में। अरे मैया डिवाइडर भी टूटा पड़ा है। हाय कर दे, हाय कर दे। ये दूध के उबलने का इंतजार हो रहा है। गाड़ी बाहर तैयार हो चुकी है, फटाफट दूध उबले तो हम चलें। सिम पे फुल पे, फुल पे कि गैस छोटी वाली है बस। चलो चलो जल्दी चलो। क्या नहीं, हाँ रेडी हो गए, दूध उबल गया है। कौन कौन है भाई? हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो ऐसे करो, हेलो दादू, दादू ने दीदी ने मार दिया। किसने किसने मारा डंडा? दीदी। कैसे आया रात को पार्क में? यूवी मैं कौन हूँ? यूवी बता दे, मैंने सपने में बिल्ली देखी थी, बिल्ली भाग गई थी। बिल्ली भाग गई। ये जो कार्टून देखता है ना, उन्हीं को सपने में देखता है। आज अभी अभी क्या हुआ, अभी सुबह सुबह उठाइए और सुबह उठते के साथ ही कहने लगा कि बिल्ली भाग गई और रो रहा है पूरी तरह, बिल्ली भाग गई, बिल्ली भाग गई। पता नहीं क्या देखा होगा, छोटा बच्चा है, कार्टून नहीं देखता होगा सपने में भी। तो अभी हम चल रहे हैं यूपी को लेके अपने बड़े दादू के पास, यानी हमारे दादा के पास हम लेके चल रहे हैं। आज प्लान बना है फटाफट सुबह सुबह, ये है कि भाग लेते हैं। अब ये है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पिया, चाय वाय कुछ भी नहीं, सुबह फटाफट उठे, बाल बाल भी आपको दिख रहे होंगे ऐसे ही हैं। अब सब वहीं जाके नहाए देंगे, फटाफट निकलते हैं। 20-25 मिनट लगेंगे पहुंचने में, सुबह पूरा खाली मिलेगा वैसे तो चलो आज घुमा के लाते हैं आपको। हम जो निकले हैं वो निकले हैं 8:28 पे, सही 8:28 पे हम निकले हैं। अब ये देखना है कि कितने टाइम में हम पहुंचेंगे, कितने टाइम में। ये देखो एक मिनट, पॉल्यूशन देखो जरा, ये देखो, ये सब सोचते हैं धुंध है, ये धुंध नहीं है, ये जो पराली जल रही है ना, ये देखो सब वो है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं, टाइम है ही पॉल्यूशन का। देखो कुछ नहीं दिख रहा साफ, और ये आ गया कैमरा स्पीड के लिए। हमें पता है स्पीड के लिए यहाँ कैमरा आता है, सबको ही पता है, तो इसलिए जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं सब लोग धीरे धीरे कर देते हैं। हालांकि सुबह सुबह कोई जरूरत नहीं है, पूरा रोड खाली है, भगा भी सकते हो, लेकिन हम ज्यादा भगाते नहीं है, नॉर्मल स्पीड में चलते हैं। आप लोग भी आराम से रखिए, और यू भी बड़े ध्यान से देख रहा है। हाँ जी, मोबाइल में फोन में ऐसे करता है, यो ऐसे करके, यो ऐसे, यो नहीं ये क्रॉस कर दिया आपने, तो ये क्रॉस कर दिया ऐसे करते भी ऐसे जय भद्रकाली जय भद्रकाली करते जय भद्रकाली बाबा जय भद्रकाली ऐसे करते भी ये देखो ये सामने लगे डिवाइडर में। अरे मैया डिवाइडर भी टूटा पड़ा है। ये घूम गया या टायर फट गया इसका, कुछ भी हो सकता है, टायर तो नहीं ओवर रहा है वो, ये तो एक्सीडेंट हो गया, तो सुबह सुबह हुआ है, रात को हुआ है पता नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते हम कि पी के चला रहा होगा। कई बार ऐसा होता है ड्राइव करता है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह आती है कि बंदा ना समझ नहीं पाता कि राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, एक जगह आती है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि पी के चला रहा होगा, हो सकता है नींद का झटका, नींद, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर किसी को लगी नहीं होनी चाहिए, ये भी अब ठीक होनी चाहिए। भूलेगी क्या है ये? ये क्या थी? ये पुलिस, ये जी ये वाला कैमरा कह रहा है, ये तो सर्वेलेंस कैमरा, ये एम्बुलेंस को पुलिस कह रहा है, एम्बुलेंस जा रही आगे कह रहा पुलिस, पुलिस की गाड़ी आ गई। 90 हो चौकीदार का, हाँ 90 91 में ऑफिस, 91 में ऑफिस बन रहा है, वो क्या मतलब उसमें वो लोग रह रहे हैं सब, जब यहाँ आ गए डोसा लेने, यहाँ पे डोसा मिलता है, दिल्ली का सबसे बढ़िया डोसा मिलता है, अन्ना का डोसा, नाम सुना होगा आपने, यूवी आपने नाम सुना अन्ना का डोसा, सुना है अन्ना का डोसा
जैसे उन्होंने रखा हुआ है, वो दो बीवी वाला है ना, उसने रखा हुआ है लड़का। क्या हुआ? नहीं। अभी कह रहा था दादू भाग गई और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ चुप हो गया। ये क्या हो गया? अच्छा बता तो देगी, एक बार बोल दे। यूवी क्या हो गया? देखे चुप गया। यूवी ये पकड़ते आज इसको पकड़ते ही बोलेंगे। बता तो दे। अरे यार अच्छा बता तो दे। मैं इधर से कर लूंगा, मैं इधर से बनाऊंगा। अच्छा ले मैं इधर से बना लूंगा, मैं इधर से बनाऊंगा। इधर से बनाएंगे हम तो यूवी को, पकड़ लिया। बता तो सही क्या हुआ, दादू भाग गए? एक बार बोल दे भाई, बोल दिया कर यार। यूवी क्या हो गया बताना, दादू के साथ क्या हो गया? दादू कहाँ गए? यूवी यूवी ये क्या है? ये है डोसा। क्या बोलो? डोसा। मैंने जो यूवी सुन, मैंने जो ऑर्डर किया है वो किया है दो प्लेट सांभर वड़ा, एक प्लेट डोसा और एक प्लेट इडली, बाकी सब तैयार है। लेकिन वो सांभर वड़ा करने के लिए ना उन्हें कढ़ाई गर्म करनी पड़ती है, तो कढ़ाई गर्म कर रहे हैं, तो बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है यूवी, बस 10 मिनट और। ले लिया है जी अपना सामान सारा खाने पीने का। हाँ लो मैं आप पकड़ो, आगे रख लो मैं आप पकड़ रहे हो। चलो चलो घर चलते हैं, फिर खाएंगे सारे साथ में। ओके अभी हम यूवी को आए हैं डॉक्टर के पास दिखाने, तो अभी यहाँ पे जो टाइमिंग है डॉक्टर की वो है 9 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह के, लेकिन अभी 9:30 बज गए हैं, डॉक्टर अभी तक आया ही नहीं है। बोलो। ये बड़ी देर से परेशान कर रहा था मेरे को, यहाँ भाग भाग के इधर इधर हर जगह यहाँ भागे जा रहा है, तो मैंने कैसे गाड़ी बिठाते हैं। और देखो अपना गाड़ी हिलाऊंगा मैं। गिद्या, 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 गिद्या। गिर जाएगा, गिर जाएगा। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। भागोगे आप? दोबारा करोगे? दोबारा करोगे? बेटा तू नहीं सुधरेगा। आ गया अभी मेरी पिद्दी, आ गया, क्या करूं भाई, भतीजा भी मेरा ही है, प्यार तो आ ही जाता है। इधर देख यूं भी पीछे एक कुत्ता देख लिया इसने, ये देखो तो इसके पीछे भागे जा रहा है। यूं भी आगे तो आ, यूं भी हाय कर दे, हाय कर दे। हो गया यूं भी, हो गया आपका? क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया इसकी फूती बंद, फूटी बंद, फूती नहीं देनी, और चूहे के पास लेके जाना यूवी को, है ना? चूहे के पास लेके जाना, ज्यादा शोर मचाए तो। चलो चूहे के पास लेके चलो, अब चूहे के पास चल रहे हैं हम। चलो चलो चूहे के पास चलो, चलो चूहे के पास लेके चलो इसे। नहीं नहीं चूहे के पास तो लेके जाना पड़ेगा बेटा, डॉक्टर ने बोला है। आओ आओ चलो चूहे के पास चलो, चले
वो रहा चूहा। चलो यहाँ यहाँ इसे बिठाओ चूहे के पास। ये पूरे भाई कितने पत्ते पत्ते गिरे हुए हैं, कुछ लोगों ने फ्रूटी भी फेंकी हुई है। अब हम पहुंच गए अपने घर और यहाँ पे ये इलेक्शन चल रहा है। देखो ये देखो हमारे यहाँ अपना इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, दिल्ली में इलेक्शन है एमसीडी के, तो रिक्शा लेके घूम रहे हैं सारे। आ गए अपने घर, जो इडली डोसा और सांभर वड़ा खाना था खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ जरा अपनी दाढ़ी सेट कराने, बिल्कुल जानवर जैसी शक्ल हो रही है। इधर बाल आ रहे हैं ये सब, और दाने वाने भी हो रहे हैं। दाने का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाल कटवा के आता हूँ जरा। मेरे बचपन के नाई हैं जो मेरे बचपन से मेरे बाल काटते आ रहे हैं, उनसे मिलवाता भी हूँ। चलो किरा, हाँ क्या हाँ, मैं कह रहा हूँ बाय, कह रहा भग। अच्छा बताओ अभी। यही है वो अंकल जो बचपन से मेरे बाल काट रहे हैं, मतलब जब मैं 3 साल का था तब से ये मेरे रेगुलर बाल काट रहे हैं। और ये फिर मैंने सोचा एक थोड़ी वीडियो भी बना लूं, दिल्ली में है। बाल तो कट गए हैं जी, अभी बाल का तो नंबर हो गया, बस दाढ़ी का आना है। दाढ़ी और आ जाए, अंकल बाहर बात कर रहे हैं फोन पे। ये लो जी ऐसे है आप शक्ल, दाढ़ी सेट हो गई है, बाल सेट हो गए हैं। और अंकल आपने देख लिए होंगे, मैंने अंकल की वीडियो बनाई थी। इन अंकल ने बचपन से, जब मैं छोटा था, जब फर्स्ट टाइम मेरी कटिंग हुई थी, तो तब से 1 साल की उम्र से लेके आज मैं 28 साल का हो गया हूँ, तब से यही मेरे बाल काटते हैं। और यहाँ तक कि मुझे भी याद है जब मैं 4-5 साल का था, तो जब हम कुर्सी पे नहीं आते थे तो फट्टा लगा के, अब तो बेबी चेयर्स वगैरह कितनी सारी चीजें होती हैं, तो देसी जुगाड़ चलता था, फट्टा लगा के कुर्सी के ऊपर फट्टा रखते थे और उस पर बैठ के बाल काटते थे, तो तब से मैं बाल कटवा रहा हूँ। अच्छा आप भी ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्योंकि इसी अंकल से बाल कटवाते रहते हैं, तो मैं बताता हूँ। रुको पहले सामने की लाइट जलाता हूँ फिर बताता हूँ, शक्ल थोड़ी अच्छी आएगी ना। हाँ हमारी ना शक्ल अच्छी। इन अंकल से मैं इसलिए बाल कटवाता हूँ क्योंकि मेरे जो सर है ना, यहाँ पे ना जब कोई यहाँ से बाल मेरे काट देता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, तो बड़े अजीब से लगते हैं। तो मैंने कई, यहाँ तक कि मैंने जावेद हबीब से भी बाल कटवाए हुए हैं, एक से एक मैं लुक्स पे गया हूँ, सब ने मेरे बाल खराब करे हैं सब ने। तो यही अंकल हैं जो ढंग से कर पाते हैं, उनको मैं बताता भी हूँ जो कभी लुक्स पे जाता हूँ या कभी हबीब पे गया हूँ मैं, कि यहाँ से मत छेड़ना और यहाँ से मत छेड़ना, और उन गधे के बच्चों ने यहीं से छेड़ के पूरे बाल बेकार कर देते हैं, और यहाँ से ये चीज़ काट देते हैं, इससे पूरा बेकार हो जाता है। तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं तो उनको कहता हूँ डॉक्टर साहब, वो बालों के डॉक्टर हैं, मेरे बालों के डॉक्टर तो हैं ही हैं। रूबी को इसका दोस्त मिल गया है, उधर चलो, उधर चल। अब मैं यूवी को थोड़ा पार्क में ले गया था, तो थोड़ा इसको एकदम से ये बच्चा मिल गया खेलने के लिए। माँ और बेटा दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी माँ ने इसको कुछ भी नहीं बोला। यूवी को ये खेल रहा था आराम से यूवी, और इसकी माँ आराम से बैठी हुई थी, मतलब बहुत ही इंजॉय कर रही थी। भाग गया यूवी, भाग गया, आ जा आ जा आ जा आ जा। भाई स्प्रे मारो इसके मुंह कहाँ पे, पहले हाथ पे मारो, हाथ पे पूरा लॉलीपॉप हो गया। हाँ दोनों हाथ करो, दोनों हाथ। हाँ हाथ साफ करो, हाथ साफ करो करो। अरे अपने से कर दो, अरे अपने से। यूवी के हाथ साफ हो गए, ये हमारे। हाँ देखो ठीक है यूवी, मुंह भी साफ करना है। मुंह साफ करो, मुंह साफ करो, इसे मुंह साफ करो, मुंह ऐसे करे साफ करो, इसको मुंह पे मारो, मुंह पे मजा आ रहा है। ठीक है बस बस, खेल मत बना इसको। अब चल रहे हैं अपने घर, भैया बड़ा दिमाग खराब हुआ, मतलब अभी घर जाके बताऊंगा, पर अभी तो हम निकल रहे हैं घर की तरफ। पापा और यूवी बाहर वेट कर रहे हैं पार्क के, अब हम जा रहे हैं। नींद बीच में सोया मैं 15 मिनट के लिए, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 4:30 हो रहे हैं, अब 4:30 निकल रहे हैं हम। सुबह 8 बजे घर से निकले थे, 8:30 बजे, और 9 बजे पहुँच गए डोसे वाले के यहाँ। टाइम लगा जब डोसा खाया था, डोसा लेकर आए, अब पापा बैठ रहे हैं। चलो अपने पीछे बैठना है, आगे बैठना है इसको लेके, आप आगे बैठ जाओ। यूवी फिर वो ना करे कहीं। चलो जी पापा फिर आगे बैठ जाएंगे क्योंकि यूवी की वजह से। दे दे दे, चलो जी। बहुत भयंकर जाम,
बहुत भयंकर जाम, बहुत भयंकर जाम, बहुत भयंकर जाम, बहुत सच में यार बहुत तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है। क्या ही बताऊं, नींद आ रही है। देखो देखो दिखाता हूँ, रास्ते में इतना भयंकर जाम लग रहा था कि हमें बहुत तेज भूख लगी, और भूख जैसी लगी तो सामने ये दिखा, और फिर उसके बाद हम खाने लगे यहाँ पे, और बहुत लोग थे, हम ही नहीं थे, बहुत लोग ऐसे थे जो खा रहे थे, और फिर हमने भी अपना ऑर्डर कर दिया। मम्मी कहाँ गया? आ रहा है, वो तो शिकंजी ले रहा है। यूवी पकौड़ी खा रहे हो? हाँ जी, यूवी और यूवी की दादू पकौड़ी खा रहे हैं। गंजे हाँ भाई छोड़ दे, गिर जाएगी। आज देख लो जी, अभी अभी रात को दूध पीने का टाइम हो गया, और आज चलेगी दूध और जलेबी। वाह वाह। अब मैं और यूवी जा रहे हैं मम्मी को लेने। यूवी वहां दादा खड़े हैं, बाय बाय कर दो, दादू को बाय बाय कर दो जल्दी। क्या अंदर जाओ। चलो जी यूवी चले, दादी को लेने चले, चलो। ओ मैं एक मिनट रुको, तो मैं और यूवी आ गए हैं, यूवी मैं और यूवी आ गए हैं मम्मी को लेने और यूवी की दादी को लेने, और बस अब मम्मी आने वाली होंगी। मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही कसम से, आंखें लाल हो रखी हैं, और अभी वैसे भी मैंने दूध और जलेबी अपना खा पी के सेट, नींद आने वाली थी। मम्मी थोड़ा लेट हो गया आने में, 10:30 बज रहे हैं अब, तो बस अब आने वाली होंगी। मम्मी को एक बार अब कॉल कर देता हूँ, बताता हूँ कि मम्मी मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूँ, वहाँ वाला गेट हमारा बंद हो गया होगा, तो एक बार कॉल करता हूँ और बस चलते हैं। यूवी ये रही दादी, ये रही हॉर्न बजाते हैं मम्मी। हाँ ठीक है, चलो मम्मी ने देख लिया। अच्छा हकीकत में देखो मम्मी कितनी दूर है हमसे, यहाँ इतनी दूर है। यूवी कौन आ रहा है, यूवी कौन आ रहा है? ओ भैया, ए मिस्टर यूवी, ये क्या हो गया आपके, लॉलीपॉप खाया था क्या? कौन आ रहा है यूवी, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कौन आ गया? अरे बाप तो बता दे यार, ये तो कैमरे के आगे शाय हो जाता है यार, दिस इज रॉन्ग। लो जी मम्मी आ गई, ये रही मम्मी। नहीं नहीं मैं नहीं खोल रहा, नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं खोल रहा, नहीं मैं नहीं खोल रहा। आओ जी आओ, मेरा बाबू है, मेरे को लेने आया है, मेरा बेटा है, मेरे बाबू जी लेने आए हैं मुझे। चलो जी चलो, चले यूवी चलो, बैग लगाओगे? चलो बैठो। अब रात को हम ये यूवी के दोस्त यहाँ आए, इधर आ जाओ। बस अब बहुत देर हो गई, हम मम्मी को ले आए हैं, और नींद आ रही है बहुत तेज़ मेरे को, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे से नहीं हो रही, सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नींद आ रही है बहुत तेज़। थैंक यू सो मच, अपना साथ बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। ओके बाय।